एक वक्त था जब अक्षय कुमार साल भर में दर्जनों फिल्म देते थे, लेकिन इन दिनों उनका नक्षत्र पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। उनकी एक के बाद एक फिल्में बुरी तरीके से फट रही हैं और इस कड़ी में अब एक और नाम जुड़ चुका है। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर चुकी है। फिल्म ने 3 दिनों में महज 10 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म इतना खराब प्रदर्शन करेगी इसका अनुमान तो किसी ने भी नहीं लगाया होगा। खुद अक्षय कुमार को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। रिलीज के पहले दिन फिल्म ने 2.5 करोड़ की खराब ओपनिंग हासिल की थी। वीकेंड पर उम्मीद थी कि फिल्म अच्छी कमाई करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दूसरे और तीसरे दिन फिल्म की कमाई में हल्की ग्रोथ देखने को मिली। यहां तक कि 5वें हफ्ते में आकर भी पठान अच्छा प्रदर्शन कर रही है। रविवार को पठान ने 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि सेल्फी ने 3 करोड़ की कमाई की है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि सेल्फी को रिलीज हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, जबकि पठान 1 महीने से ज्यादा थिएटर्स में चल रही है। ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने फिल्म का कलेक्शन शेयर करते हुए लिखा कि सेल्फी के आंकड़े हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी निराश करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर सेल्फी के बॉक्स ऑफिस पर नंबर तरह तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं। लोगों ने पठान और सेल्फी के कलेक्शन को शेयर करते हुए चुटकी डाली है। बहरहाल वीडियो को लेकर आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में, के साथ ही इस अपडेट के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।